Good morning student, this is chapter 2. Already I have given introduction, but in this chapter first I will tell what is the function, what is the inverse of function. This is very complicated part for the students, function and inverse function. Then listen about only, this is the function, these are all our trigonometrical function. The domain is given R and the range is given -1/2. Everybody knows that the domain is ka R hota hai aur range kya hoti hai -1. इन 12th क्लास वी लर्न अबाउट द इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन होती है वो आपकी रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो आपका क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है. तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज इन बिटवीन दिस फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. एवरीबडी नोज दैट द इनवर्स मीन्स उल्टा. उल्टा मीन्स जो रेंज थी वो डोमेन हो गई और जो डोमेन था वो रेंज हो गया. बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैम आपने यहाँ पे आर माइनस एन पाई क्यों लिखा. यू नो दैट बेटा, कोसिकेंट एक्स जो होता है वो क्या होता है, 1/sin x. हमें वो सारी वैल्यू हटानी पड़ेंगी जो इसको क्या बना रही है, ज़ीरो. हमें ये पता है कि अगर नीचे ज़ीरो आ गई तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा. तो फर्स्ट वी व्हाट वी डू इन रियल नंबर में से हम उन सभी वैल्यूज़ को, दीज आर द इवन वैल्यूज़, सबट्रैक्ट कर देंगे तो 1/sin x आपका ज़ीरो नहीं आएगा नीचे, तो कोसिकेंट एक्स आपका डिफाइंड हो जाएगा. तो यहाँ पे वही गिवन है आर माइनस एन पाई. सेम फंक्शन आपको सिकेंट एक्स में नज़र आएगा. यहाँ दे रखा है आपको रियल में से 2n+1π/2. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2n+1? दिस इज़ द ओड फंक्शन. हम सिकेंट फंक्शन को क्या लिखेंगे, 1/cos x, और कोस एक्स ज़ीरो होता है किस पे, पाई बाई टू पे, 3π/2 पे. एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3π/2, π/2, वो डिफाइन ही नहीं होगा. इसलिए हम इसमें से वो वैल्यू रिमूव कर देते हैं जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता. तो टेन एक्स में भी सिमिलरली हम वही करते हैं, आर माइनस 2n+1 π/2 और कोट एक्स आर माइनस. इनवर्स फंक्शन जस्ट इसका उल्टा है. जो आपका डोमेन है वो आपकी रेंज बन जाती है, रेंज बन गई, और जो रेंज है वो आपका क्या बन जाता है, डोमेन. फंक्शन वही है, इसमें वो वाली वैल्यू हमने रिमूव की हुई है जिस पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता. तो पहले ही व्हाट इज़ अ फंक्शन 11th क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था कि फंक्शन क्या होता है. देखो, एवरी एलिमेंट, ये आपका क्या है, दिस इज़ योर डोमेन एंड दिस इज़ योर रेंज. हर डोमेन का एवरी एलिमेंट की एक ही इमेज हो. इट मीन्स ये नहीं हो सकता कि f1 की वैल्यू 2 भी है और f1 की वैल्यू 3 भी है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन ए फंक्शन. फंक्शन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज. तो ये क्या कहलाता है, आपका फंक्शन. प्रॉब्लम कहाँ आई इनवर्स फंक्शन में, जब हमने साइन फंक्शन, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका ग्राफ बना हुआ है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ नहीं है. ये आपका नॉर्मल किसका ग्राफ है, साइन एक्स का. बच्चे साइन एक्स इज ए फंक्शन बट लिमिटेड वैल्यू. लिमिटेड वैल्यू के लिए फंक्शन हो सकता है. वाई फंक्शन इज नॉट द इन्वर्टिबल. देखो फर्स्ट इनवर्स फंक्शन क्या होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है. अच्छा ये बताओ कि इनवर्स का मतलब क्या होता है. जैसे अगर हम 7 लें और 7 का इनवर्स हो गया 1/7, तो आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो ये 1/7 इसका इनवर्स हो गया. तो सेम थिंग है, अगर हम यहाँ पे 7 की जगह क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं, और 1/sin x इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा. तो इनवर्स फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो इनवर्स फंक्शन की लेकिन एक कंडीशन है, वो इन्वर्टिबल होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा. इन्वर्टिबल के लिए क्या चाहिए, वो 1/1 भी होना चाहिए और 1/2 भी होना चाहिए. 1/1 on 2. 1/1 का मीनिंग क्या है, जो डोमेन में एलिमेंट है उसकी हर एक इमेज किस में होनी चाहिए, रेंज में होनी चाहिए. एवरी एलिमेंट हैज़ इमेज इन रेंज. और 1/2 का मतलब ये है कि इसमें यहाँ एलिमेंट बच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता. यहाँ बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो, यहाँ पे एलिमेंट नहीं रहने चाहिए. जो भी आपकी रेंज है वो उसका आपकी प्री इमेज ज़रूर होनी चाहिए. अगर आपकी नहीं होती है तो वो 1/2 फंक्शन नहीं है. तो किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए इन्वर्टिबल होना ज़रूरी है, और इन्वर्टिबल का मतलब है वो 1/1 भी हो और 1/2 भी हो. तो ये जो फंक्शन है अपना साइन एक्स, ये 1/2 तो है, क्योंकि हर वैल्यू पर आपको पता है साइन 0 पे भी वैल्यू अलग दे रहा है, पाई बाई 2 पे भी अलग दे रहा है, पाई पे भी अलग दे रहा है. बट इनकी क्या प्रॉब्लम है कि जैसे आपकी साइन 0 लिखोगे,
साइन जीरो भी जीरो है और साइन पाई भी क्या है जीरो, तो क्या ये वन वन हुआ? ये वन वन नहीं हुआ। तो ये वन वन ना होने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन था बट ये इन्वर्स फंक्शन नहीं था। तो इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए हमने इसकी कैटेगरी को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फंक्शन इज नॉट इन्वर्टेबल बिकॉज इट इज नॉट ओन टू, दिस इज ओन टू बट नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है, ओन टू फंक्शन है। तो हमने इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या किया, देखो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते, इसकी रेंज सिर्फ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लेते हैं, तो ये फंक्शन वन वन भी है और ओन टू भी है। तो इट मीन्स ये साइन इन्वर्स फंक्शन अपना क्या बन गया, एग्जिस्ट कर गया, ये इन्वर्स हो गया। तो हमने क्या किया है, जो भी यहाँ रेंज ली है वो क्या ली है, माइनस वन बाई टू, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। ये रेंज किस पे, किसके बेस पे ली है, जहाँ पे ये वन वन भी है और ओन टू भी है। सेम अदर फंक्शन साइन इन्वर्स एक्स, दिस इज कोस इन्वर्स एक्स, कोसिकेंट इन्वर्स एंड सिकेंट इन्वर्स है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑलरेडी मैंने आपको टेबल दे दी थी बट फिर भी मैंने एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। बच्चे चैप्टर बहुत ईजी है, इतना डाटा मैंने आपको बताया बट ये डाटा सिर्फ समझने के लिए था। कम टू द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज़ वेरी ईजी। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन इन्वर्स माइनस वन बाई टू की। उससे क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ अच्छे से समझ लो, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है। इस पे फोकस करना, 11th क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। मैं सिर्फ आपको एक ट्रिक दे रही हूँ, इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अगर आपको दे रखा है टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा, टेन थीटा आपको होगी मैम क्वेश्चन में कहाँ है, बच्चे वन बाई टू की वैल्यू कहीं, साइन इनवर्स दे रखा है, आपको पता है वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन किसकी होती है, साइन थर्टी की होती है। तो आप साइन थर्टी को यहाँ लिख सकते हो। तो कहीं पे भी अगर माइनस टेन थीटा दे रखा हो, बाहर टेन इनवर्स हो, तो सिर्फ वहाँ पे जो वैल्यू है थीटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ चेंज किस में करना है आपको, एक तो कोट इनवर्स फंक्शन में करना है, जो थीटा आ रहा है उसको क्या कर देना, पाई माइनस थीटा करना है, और एक आपको कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा में करना है, और एक सिकेंट इनवर्स माइनस सिकेंट थीटा में करना, बाकी एज इट इज़ आपको क्या लगा देने हैं, माइनस थीटा माइनस थीटा माइनस थीटा। हाउ टू सोल्व, अभी आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको ये पता है कि ये आपका क्या गिवन है, साइन इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू है, आपको भी पता है कि साइन किसकी वैल्यू है, वन बाई टू साइन थर्टी की, और साइन थर्टी को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाय सिक्स। दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज साइन पाई बाय सिक्स। पाई बाय सिक्स का मीनिंग आपको सबको आना चाहिए, पाई 180 होता है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू है पाई बाय सिक्स। आपको पता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है, हो गया आपका ये दिया हुआ है, साइन माइनस किसके इक्वल आना, आंसर आएगा आपका, आंसर इज माइनस पाई बाय सिक्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर टू, दिस इज़ वेरी इजी, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू इन कोस इनवर्स एक्स रूट थ्री बाई टू। यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्री बाई टू, दिस इज कोस इनवर्स, कोस थर्टी की वैल्यू होती है, और कोस थर्टी को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे राइट करेंगे, कोस पाई बाई सिक्स। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाता है और जो अपना आता है वैल्यू जो आती है प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाती है, नथिंग टू डू, वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इजीली एंड चेक योर रेंज, आप रेंज चेक कर सकते हो कि आपका ये रेंज में ही आएगा। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर इज गिवन कोसेकेंट इनवर्स टू, कोसेकेंट इनवर्स टू, कोसेकेंट इनवर्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू, साइन साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई टू, एंड कोसिकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू आपको पता है साइन जो पाई बाई 3 है दैट इज इक्वल टू 1 बाई टू पाई बाई 6, साइन 30 इज इक्वल टू 1 बाई टू, और आपको 2 की वैल्यू चाहिए, इसका जो अपोजिट होगा दैट इज कोसिकेंट, कोसिकेंट इज इक्वल टू, क्योंकि आप साइन को अपोन करोगे तो 1 अपॉन साइन पाई बाई 6 and the value is 2 by 1, this is cosecant pi by 6 is equal to 2.
तो वे राइट हेयर पाई बाई 6। नाउ कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 6। लाई बिटवीन द रेंज यू विल चेक। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, हेयर इज द प्रॉब्लम, देयर इज गिवन माइनस रूट 3। आई हैव गिवन द आइडिया द टेन इनवर्स माइनस थीटा, यू विल चेंज पाई माइनस थीटा या नॉर्मल थीटा। कन्फ्यूजन यहाँ होती है। इट्स वेरी सिंपल बच्चे, टेन इनवर्स माइनस रूट 30 वैल्यू होती है आपकी 60 की, तो पाई बाय थ्री। देन आपको पता है कि टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा टेन माइनस थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आना है? माइनस थीटा आना है। अगर मैं इसको राइट करूं टेन इनवर्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? टेन माइनस पाई बाई थ्री, और टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस पाई बाई थ्री। इट इज़ ऑल्सो लाई बिटवीन द रेंज। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हेयर इज द प्रॉब्लम बिकॉज कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। देन हाउ टू सॉल्व इट? दिस इज कोस माइनस वन, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू होता है, 60 की वैल्यू होती है, तो हाउ टू राइट 60? पाई बाय 3। इन दिस केस कोस पाई बाय 3, डोंट फॉरगेट कोस। दिस इज कोस इनवर्स, यू कांट राइट माइनस कोस, कोस माइनस 5/3। आप ऐसे राइट नहीं कर सकते। माइनस कोस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कोस माइनस 5/3, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस केस वी विल चेक इन विच क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड क्वाड्रेंट? दैट इज पाई प्लस पाई माइनस पाई, ये आपका जाएगा पाई माइनस, क्योंकि ये वैल्यू होती है आपकी पाई बाई टू की, ये होती है ज़ीरो, यहाँ पाई आता है, और पाई में से अगर आप माइनस करोगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो आप उसको राइट कर सकते हो पाई माइनस पाई बाय 3। एक क्वाड्रेंट और भी बचता है, तो उसकी दो वैल्यू पॉसिबल हैं, बट हम एक ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अभी। तो देखो, कोस से कोस कैंसिल भी हो जाएगा आपका यहाँ पे कोस, और ये हो जाएगा आपका 2π/3। तो व्हाट इज़ द वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3। दीज आर द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजीली। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 2.1 एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अदर क्वेश्चंस। गुड डे।